हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल धर्म संदेश। दोस्तों, आज मैं आपके सामने चमकी बुखार, जिसे अंग्रेजी में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम के करके जाना जाता है, इस रोग को किस तरह से ये रोग निकलता है, कौन लोग इस रोग के चपेटे में आते हैं, कितने सारे इसके आंकड़ा क्या है, 2012 से लेकर के 2019 के बीच में कितने बच्चों के ऊपर इसका असर हुआ है, कौन बच्चा किस प्रकार के, किस कोने के, किस स्थान में रहने वाले तरह के बच्चे इस रोग के चपेटे में आते, ये क्या कोई बुखार है या किस प्रकार का ये रोग है, सभी जानकारी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल में नए व्यूअर्स हो तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हौसला प्रदान करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इसी प्रकार के बेहद गंभीर रोगों के प्रति अपने विश्लेषण को लेकर के आपके सामने में उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है चमकी बुखार। सबसे पहले आप जानिए कि ये चमकी बुखार आखिर है क्या चीज। तो उच्च गर्मी से होने वाले ये एक प्रकार का ये रोग है, और विशेष करके आप देखना इंटरनेट में आप सर्च करना तो आप देखेंगे कि सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया और वैशाली, ये पांच जिले में ही हमेशा 2012 से लेकर के 2019 तक के आंकड़े तकरीबन लमसम इस पांच जिले में ही जो यहाँ के बच्चे हैं वो इस रोग से ग्रसित है। और जाकर के अगर आप इन जिलों की आप जाकर के यहाँ के हाल को अगर आप देखेंगे, यहाँ के लोगों को अगर आप विश्लेषण करेंगे, तो यहाँ के लोगों की जो गरीबी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ के बच्चों के रहन सहन, खान पीन के स्तर बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ के लोगों में इम्यून पावर बहुत बेकार है, बहुत कमजोर है, और विशेष करके समग्र भारत में अधिक कुपोषण का जो समस्या है वो इन्हीं पांच जिलों में आपको नजर आएगा। तो दोस्तों, ये जो चमकी बुखार है, अगर मैं कहूंगा कि कुपोषण ही इसका मुख्य वजह है तो कहीं मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि दोस्तों चमकी बुखार का कुपोषण से इम्यून पावर के बहुत अधिक कम होने से बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। वो देखो कैसे। सबसे पहली बात तो कि इन पांच जिलों के जो बच्चे हैं, इस करकते, इस चिलचिलाती धूप में, इतनी भयानक 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गर्मी में बच्चे नंगे पांव खेतों में जाते, जंगलों में जाते हैं, गलियों में दौड़ते हैं, और विशेष करके वो बच्चे तो दोस्तों उनके पैरों में चप्पल नहीं है, जूते नहीं, और उनके शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नंगे दौड़ते, कोई कपड़े वपड़े है नहीं। तो धूप का जो सीधा असर उनके शरीर में, उनके और धरती से निकलने वाली जो वाफ है वो इनके पैरों की से होकर के शरीर में जाता है। तो फलस्वरूप जिन बच्चों में ऑलरेडी पहले से कुपोषण से समस्या था, जिन बच्चों में पहले से ही ऑलरेडी इम्यून पावर के कमी होने के वजह से शरीर बहुत ज्यादा कमजोर था, उन बच्चों के शरीर में चिलचिलाती यह जो धूप है उनके शरीर को और ज्यादा सुखा देता है और ज्यादा शोषण करता है। तो उसके वजह से ये जो बच्चे हैं ना बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। कमजोरी में जब ये बच्चा किसी जानवर के सामने, जैसे गाय है, जैसे भैंस है, जैसे बकरी है, जैसे विशेष करके दोस्तों सुअर, इन जानवरों के शरीर में कुछ ऐसे कीड़े पनपते हैं इन गर्मियों में, बाकी कीड़े मर जाते लेकिन कुछ ऐसे डेंजर जो जहरीले जो कीड़े हैं वो इन जानवरों के शरीर से निकलते हैं या इनके शरीर में उत्पन्न होते। दोस्तों, जब इस प्रकार से बिना चप्पल जूता पहने, बिना कपड़े पहने कोई बच्चा इन जानवरों के संपर्क में जाता है तो उन जानवरों से निकलने वाला वो जहरीला कीड़ा, वो जहरीला मच्छर कहूं या वो जहरीला जो कुछ भी जो कीड़ा है, वो कीड़े इनके शरीर को डंक मारता है और वहां से पनपता है ये चमकी बुखार। दोस्तों, आप जरा चमकी बुखार के बारे में रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे ये सीतामढ़ी से लेकर के वैशाली जैसे ये चार पांच जिलों में ही सिमट करके रहा हुआ, और यहां से लोग, क्योंकि ये पांच जिलों में आप देखो कि कोई बड़ा हॉस्पिटल है नहीं, वहां पर सरकार भी पता नहीं क्यों लाचार है इतना कि इन पांच जिलों में जाकर के विशेष अपना एक अभियान चलाए इस चमकी बुखार के, क्योंकि हमेशा आप देखो, मैंने एक आंकड़ा जुटाया 2012 में दोस्तों इस एरिया में 120 लोग मरे, 2013 में
39 लोग मरे हैं, 2014 में 90 लोग इस चमकी बुखार से मरे हैं, तो 2015 में दोस्तों 11 लोग इस बुखार के चपेटे में आने से मरे हैं। 2016 की अगर हम पूरा आंकड़े देखें तो इसी 5 जिले में 4 लोगों की मौत हुआ है, तो 2017 में दोस्तों 11 लोग मरे हैं। पिछले 2018 की यदि आप विश्लेषण को करेंगे तो वहां पर 7 लोगों की मौत हुई है। इतने पर भी सरकार ने अपने आंखों को और कानों को बंद करके रखा, तो 2019 में आते आते अभी तक 34 जो बच्चे हैं वो मौत के मुंह में जा चुका है। जाने मीडिया भी इससे पहले इस चमकी बुखार को लेकर की चमका नहीं था, लेकिन इस बार जरा मीडिया के ध्यान भी इस चमकी बुखार में आया है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको अवेयरनेस करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप शहरी एरिया में हो, यदि आपके बच्चे कपड़े पहनते ही सही तरीका से रहते, धूप में वो ज्यादा जो जब धूप जब कड़ाके धूप दिन में, तो बच्चे अगर बाहर नहीं निकलते, उनके शरीर में इम्यून पावर बहुत अधिक है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप घर के कमरे के अंदर पंखा चला करके यानी किसी भी हालत से यदि आप धूप से बच करके रहते हो, तो इस रोग से कम आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस रोग से लेकर के लोगों को डराते, लेकिन दोस्तों यदि आप इन सिचुएशन से उबर करके यदि आप थोड़ा सा अपने आप को अवेयरनेस करते हो, तो चमकी बुखार आपको कुछ भी नहीं कर सकता। तो जर आपने सीखा, आपने समझा कि इसका लक्षण क्या है। अब देखो लक्षण की यदि हम बात करें तो ऐसे बच्चे जो नंगे पैरों, नंगे पैर, नंगा बिल्कुल कपड़ा रहित होकर के इन जानवरों के सामने पहुंचते हैं, तो उन वहां के वो छोटे छोटे मच्छर मक्खियां जो भी कीड़े उस जानवरों से निकल करके बाहर आते, उसके डसने से ये होता है। विशेष करके ब्रेन में, बच्चों के ब्रेन में इस कीड़े के डस जाने से एक प्रकार का तरंग जाता है, बुखार उनको होता है, उनके बदन में, उनके शरीर में एक भयानक ऐंठन सा होने लगता है, बार बार वो बेहोश हो जाते हैं। उसके जो बच्चों के जो इस रोग से ग्रसित जो बच्चे हैं, उनके दांत ऊपर और नीचे के दांत आपस में जुड़ जाते हैं, दांत को जोड़ करके दांत को बजाते हुए उनका जो शरीर है वो ऐंठन होना शुरू हो जाता है। बाहर न निकला जाए, नंगे शरीर कम से कम न निकला जाए, अगर इस धूप में निकला, अगर कभी निकलना भी पड़े तो अधिक से अधिक पानी पिया जाए। सबसे बढ़िया हमारे आयुर्वेद में तुलसी और एलोवेरा है, इसके ज्यादा से ज्यादा जूस बना करके पिया जाए। यदि अपने आपका बच्चा इस तरह से चलता है, आदत नहीं है, किसी किसी के गांव में रहने वाले बच्चों को चप्पल पहन के चलने का आदत नहीं होता, तो उनको आप ज्यादा से ज्यादा तुलसी का पानी, एलोवेरा का जो जेल है वो जूस, और सबसे बढ़िया गिलोय का जो जूस है वो बना करके उनको पिला देनी चाहिए। शरीर के संपूर्ण इम्यून पावर खत्म होने से और कुपोषण के वजह से होने वाला इस रोग से बचने और बचाने के लिए हमारा जो आयुर्वेद ने सबसे पहले बहुत आगे ही इसके लिए बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया हुआ है। बहुत सारे ट्रीटमेंट है, उसमें से जो शॉर्टकट में किया जा सके, जो फटाफट अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इस रोग से किस प्रकार से पूरी तरह से बचा जा सके, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, जरा आप नोट करिए। देखो हमारे हिंदुस्तान तो क्या, विदेश के डॉक्टर ने भी इसमें अपने दोनों हाथ को खड़ा कर दिया, कहने लगे भाई हमारे तो समझ में नहीं आ रहे कि इसमें क्या कुछ किया जाए, पता ही नहीं चलता, जल्दी से बच्चा मर जाता है, डॉक्टर के कोई समझ में नहीं आता। तो अब आपने क्या करना, जैसे ही आपको पता चले आपके घर का कोई एक बच्चा इस रोग से ग्रसित हो गया या आपके पड़ोस में कोई बच्चा जो इस रोग से ग्रसित हो गया तो आप ढूंढो कि आपके गांव में बाजार में कहीं तांबे का सिक्का है कि नहीं। आप उस तांबे को सिक्के को एक किसी अंगार में या किसी अग्नि में जला करके लाल कर लो, एक गिलास में ले लो पानी और वहां से जला करके लाल करो, पानी में डुबो दो, फिर जला करके लाल करो, फिर पानी में डुबो दो, ऐसा करके 10 बार जला करके 10 बार पानी में ड्रॉप करके उस पानी को सुबह शाम और दोपहर, सुबह दोपहर और शाम को, सुबह खाली पेट, दोपहर खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद और रात को खाना खाने से के तकरीबन भी 1-2 घंटे के बाद इसको एक एक गिलास पानी बच्चों को पिलाना है। इसको पीने से बच्चे के शरीर में ये जो कुछ भी कीड़े के कटने से, मच्छर के कटने से या मक्खियों के कटने से जो कुछ भी ये वायरस आया है, इसके प्रयोग से ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात है दोस्तों कि पपीता का जूस, पपीते के जो पत्ते हैं उसके जूस पिलाना भी इस रोग में बहुत बढ़िया माना जाता है। अगर आप सुबह, दोपहर और शाम को एक एक गिलास जूस, अगर एक एक गिलास ना भी हो तो कम से कम लगा लो कि 20-20 ml अगर आप पिलाते हो, 20 या 25 ml अगर आप इसके जूस को पिलाते हो रोज सुबह, दोपहर और रात को, तो जरूर इसके प्रभाव से आपका जो बच्चा है इस रोग से बच सकता है, यानी इस रोग से उसको बचाया जा सकता है। यदि आपका, आप चाहते हो कि यार मेरा बच्चा इस रोग के संक्रमण के सामने आए ही ना, तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। और अगर आपको लगा कि यार आपका बच्चा बहुत अधिक इस चमकी बुखार की वजह से परेशान हो चुका है,
उसका हालत बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहा है, तो उसके लिए आपको तांबे वाला प्रयोग के साथ साथ कुछ दवाई मैं आपको लिख करके दे देता हूं, वो आप करिए। जैसे देखो आपने लेना है दोस्तों पीपल के कोपल, पीपल के जो पेड़ है उसके छोटे छोटे 8-10 कोपल ले लेना है। फिर आपने लेना है बड़ की जटा का लास्ट वाला जो भाग है ना पीला पीला वाला, वो 20 ग्राम लेना है। और तुलसी का पत्ता 2 पत्ते ले लेना। इन सबको जौकुट करके आपने 400 ग्राम पानी में डाल करके मंद आंच पर पकाना है। जब 200 ग्राम रहे तो छान करके उस बच्चे को पिला लेनी चाहिए। इसको पिलाने से टाइफाइड, मोटी झरा, डेंगू के वजह से होने वाले किसी प्रकार का जो 108 प्रकार के जो बुखार है उससे राहत मिल जाएगा। तकरीबन भी ये 8 या 10 दिन तक इस प्रयोग को करना है। और आपको लगता है कि इस प्रयोग के करने से भी कुछ नहीं होता, तो इससे और ज्यादा प्रभावकारी दवाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप जरा ध्यान से इसको लिखिएगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप बताया, बहुत कम रेयर चांस है कि इसमें चमकी बुखार आने की संभावना लगा, आपको कहीं ना कहीं लक्षण नजर आया, तो तांबे वाला प्रयोग करके देख लो, संक्रमण खत्म हो जाएगी। आपको लगा कि इसको बस पकड़ लिया, थोड़ा सा ही मतलब अंदर शरीर के अंदर चला गया, तो तांबे के साथ साथ जो पपीते के पत्ते का जूस आप पिला लीजिएगा। आपको लगा कि चमकी बुखार आ गया और बच्चे में इसका संक्रमण के वजह से बुखार आने लग गया, तो पीपल के कोपल वाला जो तीसरे नंबर में मैंने जो आपको बताया वो वाला प्रयोग कर लेना। तीनों साथ में करना है आपने। अब मैं आपको लास्ट में एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा दोस्तों जो कि किसी भी प्रकार के मलेरिया हो, डेंगू के वजह से हुआ हो, मोती झरा हो, या कोई भी 108 प्रकार के बुखार हो, कोई ऐसा बुखार जो आपको डॉक्टर ने कह दिया कि भैया इसमें हमारी कोई बस की नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप बिल्कुल निस्विक्रिय होकर के यदि आप बना सकते तो आप बना लो, नहीं तो आपके पड़ोस में अगर कोई वैद्य होगा तो उसके सामने जाकर के ये दवाई लिखवा लो उसे और कहो कि सर आप इस दवाई को बना लो, हम इस अपने बच्चे को खिलाना या पिलाना चाहते। तो आपने क्या करना दोस्तों, मृत्युंजय रस 10 ग्राम लेना, लक्ष्मी विलास रस ये आपने 10 ग्राम लेना, गोदंत भस्म यह आपने 5 ग्राम लेना, मोती पिष्टी ये आपने 2.5 ग्राम लेना है, और जहर मोरा पिष्टी ये भी आपने 2.5 ग्राम लेना है। फिर बीज निकला हुआ जो मुनक्का है उसको डेढ़ रत्ती के गोलियां बना करके रख लो, और उस रोगी को जो बहुत भयानक सिचुएशन में गुजर रहा है, बच्चे मृत्यु के मुंह में पहुंच गया, उस बच्चे को भी ये दवाई यदि आप सुबह और शाम बकरी के दूध के साथ यदि 2-2 रत्ती या 1.5-1.5 रत्ती के इस शारीरिक थोड़ा सा शक्ति और सामर्थ्य को देख करके यदि 1.5 या 2-2 रत्ती के गोली बना करके बकरी के दूध के साथ मिक्स करके यदि आप देते हैं, और उसके साथ साथ जो मैंने बड़ के जटा वाला जो युग आपको बताया था यदि आप इसको देते हैं, तो सभी डॉक्टर आपके इस प्रयोग से डेफिनेटली हैरान हो जाएंगे। वो कहेंगे आपने क्या प्रयोग किया, आप हमें भी सिखा दो। तो दोस्तों ये बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रयोग है। चमकी बुखार से बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि इस बुखार बस उनमें अवेयरनेस की कमी होने के वजह से ये समस्या आ रहा है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो इस रोग के चपेटे में आ गया तो फिर जान से वो हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों हमारे देश में अभी भी न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, ये सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ग्रामीण, सीतामढ़ी, शिवहरी, मोतिहारी जैसे कुछ ऐसे ग्रामीण एरिया है जहां पर वहां के बेचारे सीधे साधे किसान जो लोग हैं उन्हें इन सारी चीजों से, इन सारे सोशल मीडिया से वो बहुत दूर रहते हैं। तो आपको और हमें सबको मिलकर के इन एरिया में जाकर के यहाँ के लोगों को इस प्रकार के संक्रमित जो रोग है उसके बारे में बताना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आने वाले समय में किसी दूसरे इसी तरह के रोगों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, किस तरह से उसको ट्रीटमेंट किया जाए मैं आपको बताऊंगा। यदि आप मेरे नए व्यूअर्स हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री राम।